लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों ने घेरा डीएम कार्यालय। लखीमपुर में हुई किसानों की मौत से गुस्साए किसानों ने आज मुरादाबाद भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में अंबेडकर पार्क से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक रैली निकालते हुए जिलाधिकारी कार्यालय बाहर बैठकर जमकर प्रदर्शन किया, जहां एक ज्ञापन राज्यपाल को संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा है और मांग की है कि कल जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है उसमें हमारे किसान भाइयों के ऊपर गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। यहां कहा गया है कि सरकार को तुरंत गृह मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को तुरंत सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, साथ ही जो सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं उसे वापस ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसके नतीजे भुगतने होंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज चौधरी है, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद का। ऐसा था, लखीमपुर खीरी में कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के लड़के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 6 किसान ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे, बाकी कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। इतना बड़ा कृत्य किया है उसने, जघन्य कृत्य है ये। हम ये मांग करते हैं सभी किसान के उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जिसने भी ये कृत्य किया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस क्या जी कितने लोग जो किसान हैं गंभीर छह लोगों की ख़त्म हो गए हैं, बाकी 5-6 लोग और घायल हैं। हाँ, कुछ गोली भी लगी है और गाड़ी भी उनके ऊपर चढ़ा दी गई है। गोली उन्होंने मंत्री के लड़के ने चलाई होगी, उसके ही गुंडों ने चलाई होगी। किसान तो बेचारा, एक बात आओ, किसान तो अपना नेता रहे, किसान क्या वो करे। यही कह रहे हैं भाई, मांग कर रहे हैं, एक बात आओ, साल भर से हम लोग धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। अब यही मांग कर रहे हैं कि नियत वो जो है कि जो किसानों पर बर्बरता की गई है इस पर जो है कार्रवाई हो और हमारी तीनों काले कानून है वो वापस हों, MSP की गारंटी हो और जब तक और उन लोगों को जो वो हुए हैं ख़त्म हो गए हैं उन्हें मुआवजा मिले। देखिए ये काम तो ऐसे ही कर रहे हैं कि किसान का धीरे धीरे इनकी तरफ से जो है
वो भंग हो रहा है और आने वाले टाइम में जो भी टिकैत साहब का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे सभी किसान, जो वो निर्णय लेंगे। नहीं ऐसा है, ये तो भाई दमनकारी सरकार है, किसानों का दमन तो करती रहती है ये, और अब इसके पाप का घड़ा भर गया है। बाकी अब देखो आगे टाइम आ रहा है, जो हम तो टिकैत साहब के, हाँ टिकैत साहब के हम तो कार्यकर्ता हैं, जो उनका आदेश होगा हम वही पालन करेंगे। हाँ वो वायरल हुई है वीडियो, अब लेकिन 3 दिन पहले भी इसने करा था किसानों के लिए, अब शब्द बोले थे 5 मिनट में किसानों को देख लूंगा। हाँ बोले 5 मिनट में किसानों को देख लूंगा, वही ने करके दिखा दिया, वहाँ किसानों के साथ इनने दुर्व्यवहार करा, किसान जिसमें खत्म हो गए। नहीं किसान एक बात आओ, हम प्रजातंत्र में क्या कर सकते हैं, प्रजातंत्र में हम किसी के खिलाफ एक बात आओ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन ही तो कर सकते हैं। जैसा अब धरना करने आए हैं तो अब मालिक काले झंडा दिखाना ये भी एक प्रदर्शन ही है भाई, दूर से हम काले झंडे दिखा के अपना विरोधी तो कर सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। वो धमकी पूरी कर दी, अब यही है उस पर सख्त कार्रवाई हो, उसे जेल भेजा जाए और किसानों को मुआवजा दिया जाए, सस्पेंड किया जाए।